हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक अंक का गुणा किस तरह से किया जाता है, दो अंक का गुणा और तीन अंक का गुणा किस तरह से किया जाता है। ये सब चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे और साथ ही साथ में ये भी सीखेंगे कि अगर पॉइंट लगा हो तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है गुणा करने में। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल जो कि एक अंक का गुणा है, उसके बाद दो अंक का गुणा देखेंगे, उसके बाद आप तीन अंक का गुणा देखेंगे, साथ ही साथ में पॉइंट का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे आप। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर नीचे दो लिखा हुआ है, ऊपर नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा करने से पहले आपको एक बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, यानी इधर से इधर की तरफ जाएंगे गुणा करते समय। तो इधर से इधर जाएंगे यानी कि दो का गुणा हमें ऊपर करना है, तो दो का पहले चार में गुणा करेंगे, उसके बाद दो में गुणा करेंगे, इसका मतलब इधर से इधर की तरफ जाएंगे आप। ये चीज समझ गए? तो दो का गुणा चार में करने का मतलब है कि दो का पहाड़ा आप चार बार पढ़िए। तो टू फोर जा कितना होता है, एट। तो एट ये लिख दीजिए यहाँ पे, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर टू का पहाड़ा टू बार पढ़िए, टू टू जा फोर होता है, फोर यहाँ पर लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही आसान है। दूसरा स्टेप में देखिए कि दो अंक का गुणा किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इधर से इधर जाएंगे, यानी कि पहले चार लेंगे उसके बाद तीन लेंगे। तो सबसे पहले चार ले रहे हैं और चार का गुणा पांच में, जीरो में और चार में पहले करेंगे। देखिए चार का पांच में गुणा करना है, इसका मतलब चार का पहाड़ा जो है पांच बार पढ़िए। फोर फाइव जा कितना होता है, ट्वेंटी। ट्वेंटी का जीरो लिखेंगे और टू हासिल लगेगा अगले नंबर पे, चाहे आप यहाँ साइड में लगा दीजिए चाहे इस नंबर के ऊपर लगा दीजिए। तो फिर उसके बाद चार का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो आएगा, ऊपर हासिल दो है, दो जोड़ लेंगे तो दो यहां पर आ जाएगा। फिर फोर का पहाड़ा फोर बार पढ़िए, फोर फोर जा सिक्सटीन होता है, तो सिक्सटीन का सिक्स वन आगे इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं तो ऊपर हासिल लगाते। उसके बाद में आप देखिए एक नंबर का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब अगले स्टेप का मल्टीप्लाई करने के लिए इधर से इधर की तरफ जाना है। तो इधर सबसे पहले एक नंबर के नीचे क्रॉस का निशान आप लगाएंगे, उसके बाद अगला नंबर लेंगे और उसका भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री का पहाड़ा फाइव बार पढ़ेंगे, थ्री फाइव जा कितना होता है, फिफ्टीन। फिफ्टीन इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका फाइव जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और अगला नंबर जो है वो अगले नंबर पे हासिल लग जाएगा। थ्री फाइव जा फिफ्टीन का फाइव, हासिल वन अगले नंबर पर। थ्री का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे, थ्री जीरो जा जीरो होता है, वन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री का पहाड़ा जीरो बार पढ़ा जीरो आया और वन जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, तो वन यहां पर लिख दीजिए। फिर थ्री का पहाड़ा फोर बार पढ़िए, थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व का टू और वन यहां पे इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए थ्री और फोर दोनों का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। पहले स्टेप में देखिए आपने अगर एक अंक का गुणा था तो मल्टीप्लाई कर लिया, वही आपका आंसर था। लेकिन दो स्टेप में अगर दो अंक का गुणा करना हो तो गुणा करने के बाद आप इस तरह की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबरों को जोड़कर लिखेंगे, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो जोड़ेंगे देखिए कैसे, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो जीरो लिख देंगे, पांच और दो जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा, छह और एक जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा, दो और एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, एक के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वन यहां पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो नंबर आया है 13,770, ये आपका इसके मल्टीप्लाई का आंसर होगा। अब ये वाला एग्जांपल पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है गुणा करने में। तो दो अंक का और तीन अंक का आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। अब इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ी इसमें बारीकियां आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि पहले चार का इसमें गुणा करेंगे, फिर तीन का, फिर दो का। तो चार का जब गुणा करेंगे तो वो आप यहां पर गुणा करके लिख देंगे, उसके बाद फिर तीन का जब गुणा करना होगा तो पहले नंबर के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करके आप यहां पर लिख देंगे, उसके बाद फिर दो लेंगे, दो का जीरो में, थ्री में, सेवन में जब मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले आप यहां नीचे दो नंबर के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद टू का इसमें मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे, उसके बाद लाइन को खींचेंगे और जोड़ के यहां पर लिखेंगे, जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा और वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। तो ये चीज आपके लिए होमवर्क में हो गई, ये चीज आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये बूंदी अगर लगी होती तो कैसे आप कहां पर लगाते। मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल में पहले से पॉइंट यहां पर लगा होता तो आंसर तो आपका यही आता। तो आप पॉइंट कैसे लगाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मल्टीप्लाई करने में राइट से लेफ्ट में। तो इधर से गिनिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो आप आंसर में भी एक नंबर के बाद पॉइंट यहां पर लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर पॉइंट लगा होता तो। यहां पर मान लीजिए पॉइंट अगर
पहले से लगा होता यहां पर और एक पॉइंट लगा होता यहां पर, तब आप अपने आंसर में पॉइंट कैसे बताते। यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया, यहाँ दो पॉइंट भी देख लीजिए, तो इसमें दो पॉइंट है, वो आप एग्जांपल आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में। तो इसमें देखिए आप देखेंगे एक दो, दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा तीन, तो थ्री आया, यानी कि लास्ट में जो आंसर आया है उसमें तीन नंबर के बाद पॉइंट लगाना है इधर से इधर की तरफ, तो एक दो तीन, तीन नंबर के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 13.770। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।